कॉम्पोजिशन काफी लोगों की राय लेने के बाद हम इस टॉपिक पे आए हैं कि भाई कॉम्पोजिशन कैसे बनानी है और खूबसूरत कॉम्पोजिशन कैसे बना सकते हैं। जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है अभी तक, जितने भी लिरिक्स को मैं कंपोज कर चुका हूँ, सबको मिलाने जुलाने के बाद मैं इस रिजल्ट पे आया हूँ कि भाई एक चीज तो मैंने क्रैक कर ली है कि भाई लिरिक्स की कंपोजिशन कैसे तैयार की जा सकती है बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई कंपोजिशन क्या होती है, तो सीधी सी यही डेफिनेशन निकल के आती है कि भाई जो लिरिक्स हैं पे और जो मेलोडी होती है, ठीक है, ओके, तो शब्दों पे मेलोडी चिपकाने को ही कंपोजिशन बोलते हैं। सिंपल सीधी भाषा यही है कि भाई आपके जो शब्द हैं उन शब्दों को मेलोडी के साथ गाना ही कंपोजिशन है। और कुछ लोगों के पास सिर्फ शब्द होते हैं, मेलोडी नहीं होती, तो कंपोजर के पास जाते हैं, वो उसमें मेलोडी डाल के देता है जिसकी वजह से वो और ज्यादा खूबसूरत लगता है। या फिर कई बार होता है सिर्फ मेलोडी होती है, लिरिक्स लिखने बाकी होते हैं। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो ऑलरेडी शब्द हैं आपके, आपने लिरिक्स लिखे हैं जो भी, तो उन पे कैसे हम कंपोज कर सकते हैं, कैसे मेलोडी डाली जा सकती है उन पर्टिकुलर वर्ड्स पे। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा कंपोजिशन के, और दोनों बहुत अच्छे हैं और दोनों आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास कुछ रैंडम लिरिक्स हैं। अब मैं कुछ भी रैंडम लिख लेता हूं, जैसे कि अब तुम यहां क्यों आए, ठीक है, अब तुम यहां क्यों आए, ओके, अब इस पे हम कैसे मेलोडी डाल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब जो एक नॉर्मल बिगिनर बंदा होगा वो इस तरीके से करेगा कि भाई अब तुम यहाँ क्यों आए, ये स्टूपिड तरीका है, इससे बात नहीं बनने वाली, इसे कंपोजिशन नहीं कहते हैं, इससे आपका गाना कंपोज नहीं होगा, क्योंकि आपको पैराग्राफ वाइज कंपोज करना है तो ये टेक्निक काम नहीं आएगी। तो सबसे पहले उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा लिरिक्स का कि भाई कौन सी चीज उस पे सूट कर रही है। फर्स्ट जो मेथड है वो इस तरीके से कि आप ना लिरिक्स को ना पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हर शब्द को अलग तरीके से परसीव करो। अब तुम यहां क्यों आए, तो अब हम हर शब्द को पहले छोटा छोटा गा के देखेंगे, अब तुम यहां क्यों आए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब यार थोड़ी मेरी सिंगिंग को अभी के लिए इग्नोर करना है, मैं ऑटो ट्यून सिंगर हूं ब्रो तो अगर गंदा गाऊं तो जस्ट इग्नोर इट, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, शुरुआत के तीन वर्ड लेता हूँ, अब तुम यहाँ, ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जो बीच वाला वर्ड है इसको थोड़ा सा ना स्ट्रेच आउट करूं, अब तुम यहाँ, समझ रहे हो कि मैंने तुमको थोड़ा स्ट्रेच आउट किया तो कुछ नया निकल गया। अब यही सेम चीज मैं नेक्स्ट के वर्ड्स के लिए भी कर सकता हूँ कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट वाले दो वर्ड छोटे रखूं और यहाँ को थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर दूं और क्यों आए को छोटा ही रखूं, ठीक है, अब तुम यहाँ क्यों आए, समझ रहे हो, ठीक है, ओके, ये दूसरा तरीका हो गया इसी सेम चीज को देखने का। अब अगेन, अब मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को थोड़ा स्ट्रेच आउट करता हूँ, बाकी सबको छोटा ही रखते हैं, ठीक है, अब तुम यहाँ क्यों आए, ये भी अच्छा लग रहा है। तो अब सेम हम ये चीज कर सकते हैं कि हम चारों वर्ड्स को हम छोटा रखते हैं, उसके बाद लास्ट वाले को थोड़ा स्ट्रेच आउट करके देखते हैं, अब तुम यहाँ क्यों आए, इस तरीके से भी हम, उसके लिए आपकी सिंगिंग थोड़ी एटलीस्ट डिसेंट होनी चाहिए या फिर आपको म्यूजिक थ्योरी थोड़ी बेटर आनी चाहिए। अगर म्यूजिक थ्योरी आप चाहते हैं भाई सीखें अच्छे तरीके से, आपको ज्ञान हो जाए म्यूजिक थ्योरी का, या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं आते, यार मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अभी 50% ऑफ चल रहा है, मजा आ जाएगा भाई, एकदम बड़ा कोर्स है, एकदम ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो चलो अभी वीडियो में कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया स्ट्रेच आउट करने से काफी हद तक बात बन जाती है। तो आप बोलोगे यार चलो मान लो हमने स्ट्रेच आउट करके ना कोई एक कंपोजिशन निकाल ली है, अब मान लो मेरे पास दो लाइन है इस गाने की, मैं कोई भी दूसरी लाइन लिख लेता हूं इसकी, अब जरूरत ही नहीं रही, जरूरत ही, अब जरूरत ही कहां है, ही नहीं रही, नहीं रही लिख देते हैं, नहीं रही, ओके, अब जरूरत ही नहीं रही, ओके, ठीक है, कम शब्दों में अगर बातें डिलीवर हो तो ज्यादा बेटर है। तो अब मेरे पास ये दो लाइन है, अब क्वेश्चन आंसर थ्योरी यूज होगी मेलोडी में कि जो मेलोडी इस पे लगाई है उसका हल्का सा स्लाइटली थोड़ा सा एक्सटेंशन आप लगा लो, वही सेम इस वाली लाइन पर जाएगा। जैसे कि मैं ये यही वाला ले लेता हूँ कि भाई बाकी सब छोटे और ये यहाँ वाला जो वर्ड, ये वाला वर्ड जो है इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा स्ट्रेच आउट करके गाऊंगा, अब तुम यहाँ क्यों आए, अब उसका ही कुछ अगेन, अब मैं अब जरूरत को मैं थोड़ा स्ट्रेच आउट कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल वर्ड है, अब तुम यहाँ क्यों आए,
अब जरूरत ही नहीं रही, तो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कंपोज कर सकते हैं, और कंपोजिशन करने का ये बहुत आसान और थोड़ा सा ये लगा लो थोड़ा चाइल्डिश तरीका है, बट स्टिल ये बहुत अच्छा कारगर तरीका साबित होगा। और दूसरा क्या है कि अगर आपको पियानो या फिर गिटार कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है ना, तो उसके साथ जब आप वाइब करके देखोगे तो उस चीज में और मजा आएगा, मतलब वो चार चांद लग जाएंगे चीज में। तो अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बजाते हैं तो उसका एक अल्टरनेट मेथड में बताता हूँ। आप जाओ यहीं गूगल पे deadloops.com सर्च करो और यहाँ पे आपको बहुत सारे लूप्स मिल जाएंगे। मैं कहूंगा कि गिटार लूप बढ़िया रहेगा, यहाँ से एक अकूस्टिक गिटार सिलेक्ट कर लेते हैं हम और सर्च कर लेते हैं, सिर्फ अकूस्टिक गिटार, कोई टेम्पो कोई की नहीं। अब हमें अब अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना है, गट फीलिंग पर भरोसा करना है कि कौन सी मेलोडी पर जा सकता है हमारा गाना। अब तुम यहाँ क्यों आए हो, अब जरूरत ही नहीं। अब तुम यहाँ क्यों आए हो, अब जरूरत ही नहीं। तुम यहाँ क्यों ठहरे हो, अब कोई ताकत नहीं। इसमें भी जा सकता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसे गिटार रीफ है और तो उस सिचुएशन में भी आप बढ़िया बना सकते हो। और भी चलो कोई दूसरी मेलोडी चेकआउट करते हैं, जैसे कि ये इंट्रो के लिए बेटर है, इस पे गाया नहीं जा सकता। नहीं हो सकता है, पर मेरे ख्याल से इस पे नहीं सूट करेगी। दूसरी अब तुम यहाँ क्यों आए हो, अब ही जरूरत ही नहीं। इस तरीके से आप जब गुनगुनाते हो तो अपने आप दिल में से मेलोडीज निकलने लगती है, आप वाइब करते हो, वाइब में अलग से ही कुछ ट्यून बह के आती है। देखो म्यूजिक हम सबकी रगों में, भाई खून में बह रहा है, हमारे जीन्स में है म्यूजिक, पर हमें ना वो ना बाहर निकालना नहीं आ रहा है। उसको ऐसे बहाने के लिए आपको ना फीलिंग में बहना पड़ेगा। तो कई बार लोगों को ना भाई लिरिक्स लिखने के बाद ना ऐसे नहीं आती कोई वाइब, तो कुछ नई मेलोडी सुनना, ट्राई करना या फिर कोई गिटार विटार बजा लेना तो वो ज्यादा बेटर है। अगर आप deadloops.com ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बढ़िया, भाई मजा आ जाएगा, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे बहुत सारे गिटार मिल जाते हैं आपको। और स्टिल अगर आपको भाई सैंपल पैक से कमी पड़े तो मेरा एक बार 200 GB का सैंपल पैक भी ट्राई करके देख लेना, लिंक नीचे दे दूंगा। उस पर भी फिलहाल 40% का डिस्काउंट चल रहा है, उसमें तो इतने सारे गिटार रिफ, इतनी सारी मेलोडीज, इतने सारे जोनराज, इतने सारे वन शॉट, सब कुछ ही दे दिया मैंने उसमें, भाई सालों की मेहनत दी है मैंने आपको। तो एक बार चेकआउट कर लेना, मजा आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप कुछ नई नई मेलोडीज ट्राई करोगे ना, अब क्यों आए हो, अब ही जरूरत ना रही हमको। इस पे तो अब मुझे ऐसा वाइब आ रही, मैं यही गाना बना दूंगा बैठ के। ओ यार लिटरली बहुत अच्छी कंपोजिशन सी लग रही है मुझे, क्या बना दूं क्या इस पे गाना। मैं बता रहे कमेंट्स में बता रहा, मुझे गाना बनाना चाहिए इस मेलोडी पे, ये मुझे थोड़ा सा अच्छी कंपोजिशन लगी। तो इसी तरीके के बहुत सारे सैंपल पैक्स हैं यार, 200 GB के सैंपल पैक में बहुत सारे सैंपल्स हैं ऐसे, तो ट्राई करना, मजा आएगा तुमको सुनने में यार। मैं ऐसे ऐसे क्वालिटी का माल डाला ना उसमें, मजा ही आ जाएगा। लाइट चली गई, समटाइम्स इट हैपेंस। ओके तो कंपोजिशन का तरीका यार यही था कि अगर आप मेलोडी के साथ गाने का ट्राई करो या फिर उन शब्दों को तोड़ तोड़ के गाओ, थोड़ा स्ट्रेच आउट, थोड़ा छोटा बड़ा शब्दों को करोगे तो समझ में आएगा कि भाई किस तरीके से आप उस गाने को एक इमेज दे सकते हो। एक बेसिक इमेज देने के बाद आप अगली लाइन को उसकी एक हल्की सी टोन डाउन या टोन अप इमेज दे सकते हो, उस तरीके से आप कंपोजिशन कर सकते हो। स्टिल अगर आपको डीप में ज्यादा चीजें सीखनी, डीप में म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना, तो आप एक बार कोर्स भी चेकआउट करना, मजा आ जाएगा। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली के साथ जो भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, और साथ ही साथ यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पे मैं आजकल बड़ी क्रेजी रील्स डाल रहा हूँ, मजा आ जाएगा आपको देख के। चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।